हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ। इस वाली साड़ी से वियर किया है, इस साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी मुझे जब हम लोग अभी गए हुए थे अपने गांव में। इसमें अपनी मायके गई हुई थी तब मम्मी ने दी थी ये साड़ी। और इसका ब्लाउज अभी नहीं बना है, बनवाया नहीं है मैंने, तो गलती क्या हो गई। पहले पिक फॉल के लिए जिनको दी थी तो उनको पता नहीं था, उन्होंने साड़ी को मापा नहीं और ना ही मापे पिक फॉल कर दिया, ब्लाउज नहीं कट किया, तो फिर ब्लाउज बन नहीं पाया। तो अभी मैं आज इसको पहन के जा रही हूँ। फिर इसके बाद जब वो होगा मीन्स फिर तो उन्होंने कट कर लिया, निकाल दिया, पिक फॉल अलग से कर दी। पर मुझे मंदिर जाना था तो मेरा मन था कि मैं इसी साड़ी को पहन के जाऊं, तो मैंने आज इसी को पहन लिया। अभी मैं जो है ब्लाउज डाल दिया सिलने के लिए, तो जब वो सिल के दे देंगे तब मैं इसके साथ में पहनूंगी। ऐसे सेम ही ब्लाउज है इसका भी, बट अच्छा लगेगा है ना। बिना ब्लाउज की साड़ी उतनी अच्छी नहीं लगती है, कोई कोई होती है जो बहुत अच्छी लगती है। सो धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मंदिर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? एक तो नवरात्रि का पहला दिन है एंड दूसरा कुछ रीज़न है। तो अभी आप लोग ब्लॉग में रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है। सो चलो, पतिदेव नहा रहे थे तब तक मैंने कहा चलो थोड़ा सी खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मेरा तो फास्ट है और मैंने दाल चढ़ा दी है तो बच्चों के लिए दाल चावल हो जाएंगे। एंड मैं अपने लिए देखती हूँ क्या बनाऊँगी। फलाहार में सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और सर में बहुत दर्द होता है, साथ के साथ में इस वाली आँख में दर्द होता है अगर मुझे सर्दी होती है, और कान में भी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे दर्द होता है सर्दी में, इसलिए मुझे लगता है मैं सर्दी ना हो कभी। तो चलो मंदिर चलते हैं, फिर रास्ते में मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर जाने वाले थे लेकिन किसी कारण से मंदिर जाना कैंसिल हो गया, तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिया और बहुत खुश थी मैं मंदिर जाने के लिए। ठीक है, बच्चे भी तैयार हो गए थे, सारा कुछ हो गया था, बट कोई बात नहीं। तो मैं खाना भी बना लेती हूँ अपना, फास्ट की भी तैयारी कर लेती हूँ, और फिर कहीं और जाना है तो वहाँ की भी तैयारी कर लूँगी, दोनों काम हो जाएंगे साथ के साथ में। तो चलो मिलते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप लोग चेहरे से और आँखें देख के समझ सकते हैं। कल से बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मैं उठी नहीं हूँ, कुछ भी खाया पिया नहीं है। आज भी टिकी भी हो गई, तबीयत बहुत ख़राब और आँख छिल गई बिल्कुल मेरी, नहीं आँख से आंसू आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कान वान सारा कुछ, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आज तो सुबह में बेटी ने खाना बनाया था, मुझे खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी, फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई। देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी सुबह का भी खाना खाना है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं घबराहट हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो चलो मैं दवाई तो करा के आ रही हूँ, दवाई भी खा लिए, अभी कल मिलूँगी आप लोगों से। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिलूँगी। यहाँ पे बेटी पूजा कर रही थी, उससे ही मैंने पूजा करा ली थी क्योंकि मुझे हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। सो अभी हम लोग गए हुए थे, दूध बॉइल कर रही हूँ यहाँ पे। पहले तो एक ग्रह प्रवेश है, मेरी जेठानी का ग्रह प्रवेश था, मेरे बड़े पापा की बहू का। सो वहाँ गए थे, आके कपड़े चेंज कर लिए, तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक है, कल दवा करवा ली थी। सो बेटर फील हो रहा है, उतना तो नहीं पर हाँ हो रहा है, चेहरे से आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ठीक है पहले से, क्योंकि दवाई खा ली है। कल बहुत ही भयंकर वाला, कल और परसों बहुत ही भयंकर वाला था, तो आज पूजा भी नहीं उससे कर पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बट अभी थोड़ा ठीक है। तो सुबह में बेटी ने पूजा करी और यहाँ पर मैंने आलता लगा लिया, इतना आँसू आया कि मैंने यहाँ पर देखो आँख में जो है छिल गई है आँख इतनी ज़्यादा, और दिक्कत हो गया है। सो इस वजह से कोई वीडियो नहीं गया, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी। बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी बीमार हो गई, तो ठीक है दवा हो गई है। सो चलो मैं अभी जा रही हूँ बाहर घूमूंगी।
फिर मिलूंगी आप लोगों से मॉर्निंग में। फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब? अभी मैं रेडी हो गई थी और मुझे जो है बर्तन धोने हैं शाम के, जो बच्चों ने खाना खाया था। यहाँ देखो आँख के ऊपर इतना छिल गया है आंसू, यहाँ देखो इतना मैंने नोच लिया है। मेहंदी डालनी थी बालों में और मैंने कल इन वाली चूड़ियों को पहना है क्योंकि पूजा करी थी ना, तो उसमें चढ़ाई थी ब्लैक वाली, जो कि कल गणगौर का व्रत था तो उसमें चढ़ाई थी मैंने, तो वही पहननी थी। मैंने कहा चलो इनको ही पहन लेते हैं। और आप लोग बताइएगा कि कैसे रहा आप लोगों का गणगौर व्रत? और मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, बट मैंने क्या किया कि आज चलो थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ ही ऐसे भूत सी बैठी थी तो अच्छा ही लग रहा था। मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है सच बताएं तो, मीन्स चक्कर बहुत आ रहे हैं। आज पहले मैंने सोचा था मेहंदी डाल लूँ बट फिर मैंने नहीं डाली, मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ देते हैं, इतनी हिम्मत नहीं थी। अभी बर्तन धोने जाना है तो झाड़ू लगाई, यहाँ पर ब्लैंकेट फोल्ड करके रखे तो थकावट आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो पहले गंगी कर लेते हैं फिर आपसे बात कर लें। बर्तन धो लें, खांसी बहुत हो रही है बहुत ही, और गला बहुत बैठ गया है तो आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ठीक है चलो पहले मैं बर्तन धो ली, फिर तो बस यहाँ पे मैं अपने बर्तन धो ले रही हूँ। और इसके बाद जो है आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया, कुछ खाने पीने का ऐसा बना नहीं है। उठते बैठते जो मुझसे थोड़ा बन पाना, जैसे दाल चावल हुए, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, तो इस तरीके से मैंने बना लिया। और जो है गणगौर के दिन भी कुछ ऐसे नहीं किया था प्रॉपर, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो ठीक है हो गया जैसे भी हुआ क्योंकि भगवान सब जानते हैं। और जो है मैंने आगे वीडियो में कुछ दिखाया है वो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी सी चीज़ें हैं तो आप लोगों को पसंद आएंगी आई होप सो। अगर पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बस इसके बाद मेरे बर्तन धुल गए, बहुत ज़्यादा तो थे नहीं। इसके बाद मैंने सिंक साफ़ कर लिया जो कि बहुत ज़रूरी होता है किचन का हिस्सा, इसको साफ़ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बस यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ एंड फिर इसके बाद मैं आप लोगों को मिलूंगी जो कि मैं सामान दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स मैं बर्तन धुल के आ गई हूँ और चलो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। पहले मैं बालों को ठीक कर लूँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है ना और पतले बहुत हो गए, इसलिए क्लेचर में नहीं आते हैं क्योंकि काफ़ी सारी शादियाँ हैं। सो मैंने उसके लिए कुछ ऑर्डर करा था जो कि आ गया है, तो दिखाती हूँ आपको। क्लेचर भी घूम गया, ठीक है। तो मैंने चूड़ा मंगवाया था जो कि पैकेजिंग बहुत अच्छी आई है, मैंने ओपनिंग की वीडियो भी बना ली थी, बट इसका साइज मुझे थोड़ा छोटा आया है तो मैंने इसको एक्सचेंज के लिए डाल दिया है और तब तक आ जाएगा शादी तक। ये देखो बहुत प्यारा है, कलर्ड है, हर कलर की है इसमें, एक जो है पिंक है, स्काई ब्लू है, येलो है एंड रेड है। गुल्लन तो है ही, तो इतनी सारी साड़ियों पर हम वेयर कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो एक्सचेंज के लिए डाला है मैंने, आ जाएगा 21-22 तारीख तक आ जाएगा, रेट वाइज भी अच्छा है तो इसको ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से चाहिए था तो इसको ले लिया मैंने फाइनली, और आ भी जाएगा एक्सचेंज होके। सो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और कहाँ शादी में जाना है इन लोगों को मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो काफ़ी सारी शादियाँ हैं सच बताएं तो, यहाँ लोकल में भी हैं, मौसी के यहाँ भी जाना है, तो जहाँ जहाँ जाएँगे आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे एक कितनी शादी में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बट किस तरीके से जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं वो जो है दिखाएंगे बाद में शादी में जब जाएंगे, तो अभी तो नहीं है, अभी शादी में टाइम है, तो जैसे ही जाएंगे वैसे आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो साड़ी वाड़ी मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि साड़ी का तो ठीक है चाहिए नहीं थी, और चाहिए भी थी तब भी नहीं लिया क्योंकि इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से फिर लिया भी नहीं। मेरी ये माला भी टूट गई, बस मुझे वो मंगलसूत्र बनवाना है जो छोटा वाला मैं पहन के रखती थी क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है और वो टूट गया तो उसको बनवाना है। तो
खांसी बहुत हो रही है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं फिर।